बसमरम्न रहीम नाजरीन मोहतरम आज आपकी ख़िदमत में आलम इस्लाम का एक मुहिम ख़ुतबा आपकी ख़िदमत में पेश कर रहा हूँ जिसको ख़ुतब कहा जाता है ख़ुतब हज़रत फातमा के उस ख़ुतबे को कहा जाता है जो आपने खलीफा अव्वल बकर के फदक वापस लेने के एतराज़ में मस्जिद में इशाद फरमाया खलीफा अव्ल ने खिलाफत हासिल करने के बाद आन हज़रत से एक हदीस मनसूब करके जिसमें ये कहा गया कि अम्बिया इलाही अपने बाद मीरास नहीं छोड़ते हैं फतक के इलाके को जिसे आन हज़रत ने फातिमा को हिबा किया था खिलाफत की तरफ़ से मुसादरा कर लिया फातिमा ने इंसाफ से मायूस होकर मस्जिद नबवी का रुख किया और वहाँ अपने ये खुतबा इरशाद फरमाया इन्होंने इस खुतबे में फिदक पर अपने हक़ के मालिकियत की तस्रीह की इसी तरह से इन्होंने इस खुतबे में खिलाफत हजरत अली का हक़ होने का भी दिफा किया और मुसलमानों को अहल मुसलाम पर होने वाले जुल्म के मुकाबले में सकूत करने की सरजनश की ख़ुब फिद मारफ का मजमू है जिसमें खुदा शिनासी मात शिनासी नबेत पैगम्बर अक्रम अज्मत कुरान फ़लसफ़ा अहकाम व विलायत जैसे मतालब का बयान है हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लहा कहती रहीं कि रसूल ख़ुदा ने फ़दक इन्हें अपनी वफ़ात से पहले अता किया था और इन्होंने इस पर हज़रत अली उम एमन को गवाह के तौर पर पेश किया जब हज़रत फातिमा ने देखा कि इस मुतालबे का कोई फ़ायदा नहीं है तो आप अपनी बाज रिश्तेदार ख़वाीन के साथ मस्जिद में तशरीफ़ लेंगे इब्ने तैफ़ूर के नकल के मुताबिक जिस वक्त आप मस्जिद में गईं खलीफा अव्वल और महाजरीन और अनसार का एक गिरोह वहाँ मौजूद था आपके और मजमे के दरमियान एक पर्दा से हायल बनाया गया पहले आपने गिरिया किया फिर आपके साथ सब ने गिरिया किया इसके बाद आप कुछ देर ठहरी ताकि मजमा खामोश हो जाए इसके बाद आपने अपनी गुफ्तु का आगाज़ किया नए मतें अता करने पर उसकी सना करती हूँ और इल्हम करने पर उसकी शुक्र हूँ मखलूक पर नेमतों की कसरत और वसीय अरीज अताओं पर उसकी सना गवाह हूँ अन गिनत एहसाना जिनको शुमार करने से आजिज हैं अजर व देने की हद और इंतहा कहीं ज़्यादा है और हमेशा के लिए इधराक और शुरूर से वसीतर है उसने लोगों को दावत दी कि उससे ज़्यादा शुक्र गुज़ार करें ताकि वो नतों में इजाफा फरमाए इस तरह में वो साथ से लोगों को अपने शक्र गुज़ारी की तरफ मतवः किया और शुक्रगुजार होने पर इन नतों में दोगुना इजाफ़ा फरमाया और मैं गवाही देती हूँ कि इसके अलावा कोई मबूद नहीं और उसका कोई शरीक नहीं ये बहुत बड़ी बात है कि अखलास को लोगों की आकबत बैर होने और दिलों को अपने से मिलने का ज़र्फ़ करार दिया है और तफक् और सोचने के लिए अपनी पहचान को आसान बनाया वो ज़ात जिसे आँखें देखने से कासिर हैं ज़बानें उसकी तोसीफ़ करने से नातवा हैं ख़यालात उसको दर करने से आजिज़ हैं बगैर किसी पेशगी चीज़ों के मौजूदात को खल किया पहले से किसी सांचे की इतबा किए बगैर मौजूदात को पैदा किया बल्कि इन्हें अपनी कुदरत और इरादे से वजूद बख्शा इनके बनाने और पैदा करने में उसे कोई हाजत नहीं और ना ही उसके लिए तस्वीर कशी कोई फ़ायदा है सिवाय इसके कि उसकी हमत साबित हो जाए और उसकी अतात पर आगाही हो जाए और अपनी कुदरत पर इजहार के लिए अपनी अबूदियत से आगाही और अपनी दावत को गिरामी बनाने के लिए फिर अपनी अतात करने पर सवाब और माशियत अंजाम देने पर अजाब मुकर किया ताकि बंदों को पस्तियों से महफूज बनाकर कर की जानब रहनमाई करें मैं गवाही देती हूँ कि मेरा बाप हज़रत महम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसलम उसके बंदे और रसूल हैं उनको भेजने से पहले मंतखब किया और इंतखब से पहले नाम पैगम्बर ही रखा और मबूस करने से पहले चुन लिया इन्हें उस वक्त चुना जब मखलूक़ात पर दैब में थी इंतहाई तारिकियों में डूबी हुई थी बल्कि आदम नीस्ती की सरहद पर खड़ी थी इसके कामों के अंजाम से आगाही की खातिर और हादसात ज़माना पर मुहित होने की वजह से क़ाव कदर के वाक़ होने पर मुकम्मल पहचान के लिए हज़रत महम्मद मुस्फ़ा सल्ला वसलम को भेजा ताकि उसका अम्र कामिल हुक्म कतई और कज़ाव कदर अमली तौर पर पैदा करें इन्होंने मुख्तलिफ़ उम्मतों को देखा जो अधान की पैरोकार थीं, कुछ आतश परस थी और कुछ तराशे गए बुतों की परस्तश करने वाली थीं जबकि खुदाबंद की तरफ से फितरत में रखी गई शनाख के बावजूद उसके मुनकिर थे बस मेरे बाप हज़रत महम्मद मुस्तफ़ा सल् वसल्लम के वसीले से अल्लाह ने तारुकियों को रोशन किया और दिलों में मुश्किल को बरतरफ किया और बख्श वाले परे की खुशनुदी इनके शामिल हाल है और जवार रहमत में हक दाखिल हुए हैं बस मेरे बाप पर खुदा के दरूद हो इन पर सलाम अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों फिर हज़रत जहरा लोगों की तरफ़ मुतवजे हुए और फरमाया बंद गान खुदा हम उसके अमर व नहीं के अलम्बरदार हैं उसके दीन और वही के हामिल और एक दूसरे पर खुदा के अमीन हैं और दूसरी उम्मों के लिए उसके मुबलक हैं हक का हनुमा आपके दरमियान था वो वह जो सबसे पहले आपने बाँधा था इसमें से कुछ बाकी है जो आपने अंजाम देना है और सच्चा कुरान जो किताब नात के खुदा है जो वाज नूर और रोशन चिराग है इसका बयान उसकी दलीलें रोशन उसके असरार बातनी आश्कार और उसके जाहिर बहुत वाजें इस पर अमल करने वाले दूसरों के लिए काबिल रश्क और हज़रत सल्लल्लाहु मुशफ़ा सल्हसम का इतबा खुशनूद ये इलाही का सबब बनता है इसके फरामीन की समात रहा निजात फिर कहा ए लोगो जान लो मैं फ़ातिमा हूँ और मेरे बाप हज़रत महम्मद हैं जो चीज़ इब्तः मैं बयान करूंगी आखिर में भी वही कहूंगी मैंने गलत नहीं कहा था मैंने कोई जुल्म नहीं किया आपके दरमियान से पैगंबर मबूस हुए आपके रंज और इन पर गिरा हुए आपसे दिलसोस थे वो मोमिनीन पर मेहरबान और लुफ़ करने वाले थे फिर अगर इनको जानते हो तो जान लो वो तुम्हारी औरतों में से फ़कत मेरे बाप हैं और तुम्हारे मर्दों में से सिर्फ मेरे शोहर के चसाजाद भाई हैं ये कितनी अच्छी तकरीम और इज्जत है कि मैं उनसे नस्बत रखती हूँ उन्होंने अपनी रिसालत का आगाज़ डराने से किया मुशरकिन से दूरी इख्तियार की उनके सरों पर तलवारें चलाईं उनको गर्दन से पकड़ा और हमत मोजा हसना से अपने बरबर्दगार की तरफ दावत दी बुतों को नाबूद किया कीना से काम लेने वालों के सर कुचल दिए यहाँ तक कि उनकी जमीयत बरगंदा होकर मैदान से फरार होने पर मजबूर हो गई तुमसे यह काम बीत था किस तरह यह काम अंजाम दिया कहाँ जा रहे हो हालांकि किताब खुदा तुम्हारे पास है जिसके उमूर रोशन अहकाम वाज हदायत की ज़ाहिर मुहर्रमात ज़ाहिर उसके अमूर अजहर में न शम्स हैं लेकिन उसको भी पस पुश डाल दिया गया बग़ैर तवज्जो किए उसको पढ़ते हो या बग़ैर कुरान के हुक्म करते हो ये ों के लिए बहुत बुरा बदला है अगर कोई इस्लाम के अलावा दीन को चाहता हो वो उसे काबिल कबूल नहीं है ऐसे लोग कयामत में नुकसान उठाने वाले हैं अब तुम गुमान करते हो कि हमारे लिए कोई विरासत नहीं है क्या जाहिलियत के तरीकों के ख्वाहिशमंद हो यकीन के लिए ख़ुदा के हुक्म से बढ़कर क्या हुक्म है क्या तुम नहीं जानते हालांकि आपके लिए अजहर न शम्स है कि मैं उनकी बेटी हूँ ए मुसलमानों क्या ये दुरुस्त है कि मुझसे अपने बाप की मीरात छीन लें ए अभी कहाफा के बेटे क्या किताब खुदा में है कि तू तुम तो अपने बाप से विरासत लो लेकिन मैं अपने बाप की विरासत से महरूम कर दी जाऊं नई बात और बड़ी घटिया चीज़ लाए क्या शौरी तौर तो पर किताब खुदा को तर करके पस पुशत नहीं डाल रहे हो क्या कुरान नहीं कहता कि हज़रत सुलेमान ने हज़रत दाबू से विरासत भाई हज़रत जक्रिया के वाक़े में जब उन्होंने कहा पर बर्दिगार मुझे फ़र्जंदतावरमा जो मुझसे और ख़ानदान याकूब से विरासत बए इर्शाद बारी ताला है, तराबतदार और दूसरों से ज्यादा हकदार हैं और अवलियत रखते हैं सुरह अहदाब की छठी आयत में और इर्शाद खुदाबंदी अल्लाह आपको वसीयत करता है कि बेटों को बेटी से दुगना दो सुरह नसा की ग्यारहवीं आयत इर्शाद फरमाई फिर बीबी ने फरमाया मजीद इरशाद है अगर तुम से कोई माल छोड़ कर मरे तो तुम पर लाजम है कि अपने वालदे और रिश्तेदारों के लिए वसीयत करो और ये हुक्म है परवरदिगारों के लिए और ये हुक्म है परहेजगारों के लिए आप गुमान करते हैं कि मेरे लिए कोई हिस्सा नहीं और बाप की मीरात से कोई हक नहीं रखती क्या खुदा बंद आलम ने कोई आयत नाजिल की है जिससे मेरे बाप को खारिज कर दिया गया तुम तो ये कहते हो कि दो अलग अलग वाले एक दूसरे से इर्स नहीं ले सकते क्या मुझे और मेरे बाप को एक दिन पर नहीं समझते या मेरे बाप और मेरे चचा के बेटे से ज़्यादा कुरान के आम और खास से वाकिफ हो तुम ये ज़्यादा पलान वाला ऊँट पकड़ो और ले चलो रोज़ हिसाब तुम से मुलाकात होगी बड़ा सख्त जुमला बीबी ने फरमाया कि के वो ही दीन का दीन जिसके जिसके दो दीन हो बाप का दीन और और औलाद का हो और वो विरासत नहीं पा सकता बीबी से इससे बड़ा सख्त जुमला नहीं था फिर कहा फिर अनसार की तरफ रुख करके यूं इरशाद फरमाया ए नकीबों के गिरो और मिल्लत के दस्त तो बाज़ू इस्लाम के मुहाफ़ो मेरे हक़ के बारे में यूं कमज़ोरी और गफलत मेरी दाद रसी करने में इस तरह सहलंगारी से क्यों काम ले रहे हो क्या मेरे बाप हज़रत मोहम्मद ने फरमाया नहीं है कि हर एक का एहतराम उसके फरजंदों से महफूज होता है कितनी जल्दी उन आमाल के मुरतकब हुए हो और कितनी जल्दी उस लाकर बकरे के मुंह और दिमाग से पानी बह गया जबकि तुम्हारे पास मेरी मदद करने की क़्वत और ताकत है बेबी ने मिसाल देकर समझाया ए कबला के, के फरजंदो यानी कि है अंसार क्या मैं अपने वालिद की मीरास के हवाले से जुल्म बर्दाश्त करूँ जबकि तुम मुझे देख रहे हो मेरी बातें सुन रहे हो तुम एक अंजुमन और जमात रखते हो मेरी दावत की आवाज़ सब ने सुनी मेरे हालात से आगही भी रखते हो फिर तुम्हारी अफरादी कुवर और इजमाही हैसियत भी है वसाइल और ताकत भी रखते हो तुम्हारे पास असला ज़रा और ढाल भी है मेरी दावत की आवाज़ तुम तक पहुँच रही है लेकिन तुम जवाब नहीं दे रहे मेरी हक़ तलेबी की दाद व फरियाद को सुन रहे हो लेकिन मेरी फरियाद रसी नहीं करे जबकि तुम शुजा और मरूफ़ बहादुर हो और अच्छाई से तुम्हें याद किया जाता है तुम बरगदीदा थे जो इंतखब हुए तुम हमारे अहल के लिए मंतखब हुए हो जो कुछ करोगे वो अल्लाह शान के सामने है जिन्होंने सितम की हैं बहुत जल्द जान जाएंगे कि किस अदालत में बुला लिए गए और मैं उसकी बेटी हूँ जिसने तुम्हें दर्दनाक अदाब की खबर दी बस अब जो चाहते हो अंजाम दो हम भी अपना काम करते हैं तुम भी मुंतजर रहो और हम भी इंतज़ार में हैं फिर खलीफ़ अव्वल जवाब देते हैं ए नुख्सर रसूल आपके बाप मोमिन पर मेहरबान और करम करने वाले शफीक और रहीम थे और काफ़रों के लिए दर्दनाक अदाब अदाबाब थे अगर नबी को रिश्तों के हवाले से देखें तो वो हमारी औरतों में आपके बाप मर्दों और दोस्तों में आपके शोहर के भाई थे जिसकी वजह से वो हम सब से बरतरी रखते हैं वो भी पैगंबर इस्लाम के साथ हर बड़े काम में शरीक रहें आपको दोस्त नहीं रखते मगर नेक लोग और दुश्मन नहीं रखते मगर बदकार लोग बस आप ख़ानदान पैगम्बर हैं पाक और बरगजीदा हैं हमें भलाई की तरफ और बेश की तरफ रहनमाई फरमाती हैं आप तमाम औरतों से तमाम अम्बिया की बेटियों से अफजर पैगम्बर अपने किरदार गुफ्तार में सच्चे और दानाई में बहुत आगे थे आपको आपके हक से महरूम नहीं किया जाएगा आपकी सच्ची बातों से कोई माने नहीं खुदा की कसम हम पैगम्बर अल्लाम की राय से एक कदम भी आगे नहीं गए और उसकी इजाज़त के बगैर कोई इकदाम नहीं किया कौम का हाकिम उनसे झूठ नहीं बोलता और मैं ख़ुदा को गवाह करार देता हूँ जो बेहतरीन का मैंने पैगम्बर इस्लाम से सुना है जो फरमा रहे थे अल्लाह अकबर हम ग्रोह पैगम्बर दीनार दिर हम घर और ज़मीन इर्स के तौर पर नहीं छोड़ते फ़कत किताब हमत इल्म नबूवत को विरासत के तौर पर छोड़ते जो चीज़ हमसे बाकी रह जाए हमसे बाद वाले वली अमर के इख्तीार में इसे वो जिस तरह चाहे अंजाम दे क्या आप पसंद करती हैं कि आपके बाप की फरमाइश के मुताबिक अमल न कूँ ना करूँ जनाब फ़ातिमा ने फरमाया ये किताब ख़ुदा है जो एक आदिल हाकिम है और बोलने वाला हक को बातिल के दरमियान जुदाई डालने वाला है जो फरमा रहा है फिर फरमाए इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि परवरदगार मुझे फ़र्जन दे जो मुझसे और याकूब के ख़ानदान से विरासत पाए हज़रत सलेमान दाबू से विरासत पई खुदा करीम ने हिस्से मुकर किए जो मकदार मीराश में मुन फरमाई और मर्दों औरतों के लिए हिस्से करार दिए सब कुछ वाज़ेह तौर पर फरमा दिए लिहाजा अहिल बातल के बहानों और वहम गुमान को रोज रोज़ियामत तक झायल कर दिया है इस तरह नहीं है बल्कि तुम्हारी ख्वाहिशात नफसानिया ने तुम्हें एक राह पर लगा दिया और मुझे शब्र जीबा के अलावा चारा भी नहीं है जो कुछ तुम हमारे साथ कर रहे हो इसमें खुदा हमारा मददगार है फिर जनाब जहरा ने औरतों की तरफ रुख किया और फरमाया मुसलमानों बेहूदा बातें सुनने के लिए बड़े बेकरार हो जबकि पस्त और घटिया किरदार से चशमपोशी कर रहे हो क्या कुरान में गौर और खोज नहीं करते या दिलों पर मोहरें लगा दी गई हैं या ऐसे नहीं है बल्कि तुम्हारे बुरे आमाल ने तुम्हारे दिलों पर पर्दा डाल रखा है जिसने तुम्हारे कानों और आँखों को घेर रखा है बहुत बुरे अंदाज में आया तो कुरान की तावील करते हो उसको बुरी राह दिखाई है और बुरी चीज़ का मुआवजा क्या है खुदा की कसम उसका वजन उठाना तुम्हारे लिए संगीन होगा उसका अंजाम और बोझ तुम्हारे लिए वबाल जान है जब असहाब हटाए जाएंगे तो उसकी नुकसान वाज होंगे जिसकी तो नहीं रखते तुम्हारे लिए आश्कार होगी वो ऐसी जगह है जहाँ अहल बातल नुकसान उठाने वाले हैं फिर जनाब सैदा पैगम्बर सलाम की कब्र की तरफ मतव हुई और चंदार फरमाए जिनका तर्जमा यह है कि आपके बाद ऐसे ऐसे मसाइल हुए कि अगर आप होते तो इतने बड़े दिखाई न देते हम आपके बाद गोया बारिश से महरूम ज़मीन की तरह हैं आपकी उम्मत मुतफ़र्रक हो गई आएँ और देखें किस तरह मुनहरफ हो गई है फिर हजरत जहरा अपने